चुनाव से पहले कर्नाटक में सीएम बदलने की तैयारी में बीजेपी। बीजेपी विधायकों का दावा, बोम्मई के नाम पर नहीं मिलेगा वोट। येदुरप्पा के नेतृत्व में कर्नाटक चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी चुनाव से पहले ही बड़ा बदलाव करने की तैयारी में दिख रही है। पार्टी के अधिकांश विधायक बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। पार्टी हाईकमान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि नेतृत्व में बदलाव किया जाए, लेकिन बीजेपी हाईकमान की मजबूरी है कि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बदलाव किया तो उसका मैसेज गलत जाएगा। डेढ़ साल में बसवराज ने जो जमीन बनाई है वो भी हाथ से फिसल जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी के अधिकांश विधायकों का दावा है कि बसवराज ने जितनी जमीन बनाई उससे ज्यादा बीजेपी के हाथ से फिसल चुकी है। तमाम सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बीजेपी पर भारी पड़ रही है। आज चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी की सत्ता से विदाई तय है। चुनाव में 3 महीने का ही वक्त बचा है, ऐसे में बीजेपी के पास अब ज्यादा मौका भी नहीं दिख रहा है, इसलिए विधायकों का भी दबाव ज्यादा काम करता नहीं दिख रहा है। इस बीच राज्य में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, वो पहले की तरह ही बरकरार दिखाई दे रही है, इसलिए विधायक भी येदुरप्पा के नाम पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। अधिकांश विधायक चुनाव से पहले ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में येदुरप्पा का एक कार्यक्रम कराने पर जोर दे रहे हैं। विधायक येदुरप्पा के संपर्क में भी दिख रहे हैं। दूसरी ओर येदुरप्पा बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। बीजेपी नेता भी दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में येदुरप्पा और बोम्मई समर्थक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और ये फूट बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी दिखाई दी। इस दौरान कर्नाटक के 30 से अधिक भाजपा विधायकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया कि बोम्मई को हटाकर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। जिन लोगों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वे येदुरप्पा के समर्थक हैं। वैसे इस तरह के पत्र के बारे में येदुरप्पा समर्थक विधायक कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार जरूर कर रहे हैं कि बोम्मई की कप्तानी में 2023 का चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। कर्नाटक बीजेपी में येदुरप्पा समूह में बड़े पैमाने पर लिंगायत विधायक शामिल है, येदुरप्पा भी इसी समुदाय से आते हैं। इन विधायकों का दावा है कि बोम्मई के सीएम बनने के बाद से ही हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। इसका असर येदुरप्पा पर भी दिख रहा है, वो बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाने लगे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राज्य में रैलियां हुई, लेकिन येदुरप्पा किसी भी रैली में शामिल नहीं हुए। इसे उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। येदुरप्पा की नाराजगी की खबरें जब दिल्ली तक पहुंची तो अमित शाह ने खुद कमान अपने हाथों में संभाली, और हाल ही में जब वो कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे तो येदुरप्पा को किसी तरह से रैली में शामिल होने के लिए मना पाए। दरअसल दिल्ली में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी येदुरप्पा की नाराजगी की खबरें मिलने लगी थी। इसके बाद पीएम मोदी ने येदुरप्पा से अकेले 15 मिनट बैठक की। पीएम ने इस दौरान येदुरप्पा को छोड़कर किसी भी दूसरे नेता से अलग से बैठक नहीं की थी। इसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए येदुरप्पा कितने जरूरी हैं। इसे लेकर येदुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने कहा कि पूर्व सीएम किसी से भी नाराज नहीं है, वो बीजेपी में है और पार्टी के लिए ही प्रचार करेंगे। अगर कोई येदुरप्पा पर निशाना साधता है तो ये माना जाएगा कि बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। अगर येदुरप्पा पर कोई आरोप लगाता है तो ये समझना चाहिए कि आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये समझ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।